आज हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग का एक शानदार क्वेश्चन। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है और आपने ये देखा भी होगा कि 9:8 समानुपात, 9:9 रिक्त स्थान। आपको बताना है कि 9 और 8 का अनुपात है वह 16 और कौन सी संख्या के अनुपात के बराबर होगा। अगर आपको इसका जवाब आता है तो ऑप्शन की सहायता से कमेंट बॉक्स में बता दें, वरना आप हम इस सवाल का जवाब जान लेते। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर 9 जो अंक है साथियों, हमें ये 3 का वर्ग यानी 3 का जो स्क्वायर होता है वह 9 होता है साथियों, ठीक है। उसी प्रकार हम 8 को देखें तो 8 जो संख्या होती है साथियों वो 2 का क्यूब होती है यानी कि 2 का घन होती है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 और 2 का वर्ग और घन किया गया है। उसी प्रकार हम यहाँ देखें साथियों तो हमारे पास जो 16 होती है वो हमारे पास 4 का स्क्वायर होती है यानी 16 4 का वर्ग होती है। उसी प्रकार यहाँ देखें 3 और 2 संख्या आई थी तो इसी प्रकार यहाँ हम एक संख्या कम कर देंगे यानी 3 और उसका क्या कर देंगे साथियों, क्यूब कर देंगे यानी 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है साथियों, कितना होता है 27, वो एकदम राइट आंसर।